जब मैं 4 साल का तो मेरी माता जी की डेथ हो गई और 12th क्लास में दीगर तरह पिताजी भी गुजर गए। साथ के साथ मेरी सिस्टर मेरे से काफी बड़ी है, उनकी शादी हो रखी है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम से उनको भी घर आके रहने लगा था। उस टाइम उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उनकी देखरेख भी मेरे जिम्मे ही आई कि उनको भी मुझे ही संभालना, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मैं उन नेशनल इतना अच्छा खेला कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, 5 तक उसके बाद इतना अच्छा नेशनल नहीं खेल पाया। तो हमारे फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझे बुलाया स्टेज पे, मुझे बोला कि बेटा तेरा इंडिया 3 टाइम के लिए सिलेक्शन हो गया है। फाइनल मैच से पहले मुझे नी में इंजरी हो गई थी और ईरान के साथ हमारा फाइनल था और इतनी ज्यादा मेहनत की थी हमने, क्योंकि उस कॉम्पिटिशन में हम हमारा वर्ल्ड कप में पहला मैच कोरिया के साथ हार गए थे। उसके बाद हमने इतनी ज्यादा मेहनत की थी फाइनल तक कि हमने किसी भी टीम के साथ मैच नहीं लगने दिया, फाइनल तक वन साइडेड चलते रहे। और फाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन था हमारा, मुझे लिगामेंट में इंजरी हो गई थी, मैं फिर भी मैंने टीम के साथ वार्म अप किया, पैर को प्लास्टर लगाया, नी कैप पहना, मैं एक पैनिक भी एक पेन किलर की टेबलेट ली, फिर भी मैं वार्म अप करके अंदर गया क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं खेल पाऊँ। हमारे कोचेज को भी ये था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि तू खेलेगा अगर टीम को जरूरत पड़ेगी तो। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पैर को अच्छे से टाई अप करे, इसको बांध ले, प्लास्टर वगैरह लगा, चल अंदर। मैं वार्म अप करके फिर भी अंदर गया। ये जो एक जुनून होता है ना अपने देश के लिए, ये मैं क्या कोई भी खिलाड़ी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए इससे ज्यादा प्रायोरिटी कुछ भी नहीं होता जी। उस टाइम अगर पैर दुखता हो ना किसी, मेरे ख्याल से किसी प्लेयर का पैर कटने वाला हो ना, तो भी वो अपने देश के लिए खेलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम, अजय ठाकुर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा खेला और हम वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड चैंपियन बने। मुझे याद है मैं एक पैर पे नाच रहा था बहुत जी।